गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास टाइम्स के लिए एक अनुच्छेद है, भूख मीठी की भोजन मीठा। शीर्षक माटी वाली से है, भूख मीठी या भोजन मीठा। इस कहानी में विद्यासागर नौटियाल ने हमारे समाज की विडंबना को एक माटी वाली औरत के कठिन परिश्रम को इस प्रकार दर्शाया है। उन्होंने लिखा है कि भूख मीठी या भोजन मीठा। कहानी के मध्यान में यह प्रश्न को रखा गया है कि एक औरत है जो अपने कार्य में इस तरह व्यस्त है कि उसे अपने दुर्दिन को सोचने का फुर्सत नहीं है कि मेरे साथ आखिर ऐसा दिन क्यों, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, लेकिन मेरे नसीब में इस तरह की कमियां हैं, इसको सोचने के लिए उसे फुर्सत नहीं है। कहानी में उस समय की बात को रखी गई है जिस समय की हर लोगों के घर में मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाए जाते थे, जलावन से खाना बनते थे। वो काफ़ी धुआं से कालिख पुत जाता था। हर लोग को उसे सुबह सुबह साफ करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती थी, क्योंकि मिट्टी से ही उसे पोत कर वहाँ की सफाई की जाती थी। अब सबसे पहले जब भोजन बनाने के लिए रसोई घर में सफाई के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती थी, तो उस आसपास के सारे लोग उस बुढ़िया के इंतज़ार में इस प्रकार लगे रहते थे। हर लोग उसकी बाट जोड़ते थे और बुढ़िया भी इतनी समय से नियमितता को पकड़ती थी कि वह एक घर से अगर मिट्टी का कंतर उड़ेलती थी तो वह दूसरे घर में ही जाकर फिर रुकती थी। उसे इस काम के लिए अगर रास्ते में कोई रोकता भी था तो उसका वह जवाब नहीं दे पाती थी। भले ही लोग उस पर कभी ताना भी मारते थे, लेकिन वह सुनने के इच्छुक भी नहीं थी। वह किसी के बातों को ध्यान नहीं देती थी। जब वह किसी के घर जाती थी तो जो रूखे सूखे रोटियां उन्हें मिलती थी उसे वह इस कदर अपने पेट के भूख को शांत करती थी कि वह रूखी सूखी रोटी भी उसे काफी प्रिय लगता था। एक दिन की बात थी, वह बुढ़िया जिसके घर में मिट्टी पहुंचाती थी उसके घर जब पहुंची तो उसे चाय पीने को मिला और जो दो रोटी मिली उसे वह अपने गट्ठर में बांध के छुपाने की कोशिश की, रखने की कोशिश की, लेकिन उसे आंतरिक भूख जो था इस तरह विवश कर दिया कि वह अपने गट्ठर से खोलकर आधी रोटी को खा लेती है। भूख तो इतनी थी कि वो सारी रोटी को खा लेती, लेकिन उसे याद आया कि उसका पति बीमार है और उसके पद के लिए उसके पास ना तो रोटी बनाने की सामग्री है न रोटी है, इसलिए उस रोटी को वह बांध लेती है
और घर चल देती है। वह रोटी जब रूखा रोटी को वह चाय में भिगो कर खाती है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस बात को उसने अपनी भावना में इस तरह जाहिर कर दी कि वास्तव में रोटी मीठा नहीं होता है, बल्कि भूख मीठा होता है। मेरे पास इस कदर भूख मुझे परेशान कर दिया कि मुझे यह रोटी काफ़ी मीठी लगती है। वास्तविकता यह थी कि वह माटी वाली बुढ़िया जो थी वह अपने कार्य में इतना तल्लीन रहती थी, इतनी खुश होकर के उस कार्य को पूरा करती थी कि उसका आंतरिक जो भावना था वह दुख को अपने अंदर जगह नहीं दे पाता था। वह कार्य में तत्परता को दिखाते हुए दुख को दरकिनार कर बैठती थी। इसलिए कोई भी काम जब वह करती थी तो वह उसे काफ़ी रुचिकर लगता था। एक घर से मिट्टी उलेरना, दूसरे घर में पहुंचना, दूसरे घर में पहुंचकर फिर उसे उलेरकर तीसरे घर में पहुंचना, इस तरह से उसकी व्यस्तता को देखकर सारे लोग बुढ़िया तो क्या उसके कंस्तर तक को पहचान गए थे। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य की पहचान के लिए काम बड़े या छोटे नहीं होते। उस कार्य के लिए अगर आप में एकाग्रचित्ता हो, नियमितता हो और लगनशीलता हो तो आपकी पहचान किसी न किसी रूप में होगी, अवश्य होगी। अभी आपको लगता होगा कि बुढ़िया की क्या पहचान थी कि दो रोटी के लिए उसे अपने ज़िंदगी में उसने जगह नहीं बना पाई। नहीं, यह सामाजिक शोषण कहा जाए, यह सामाजिक दुर्व्यवहार कहा जाए। बुढ़िया की इसमें क्या कमी थी? भले वह पढ़ी लिखी न थी, उसके पढ़ने के समय में उसे पढ़ाई के लिए जो जगह मिलना था नहीं मिला होगा, उसके पास अर्थ की कमी रही होगी, लेकिन आखिर उसमें जो गुण था, निमित्ता, कर्मठता, परिश्रम करने की क्षमता, इसको तो वह समाज के सामने रख रही थी। लेकिन सामाजिक दुर्व्यवस्था ने उसे इस कदर बना दिया था कि उसे अपने दुख को ओझल करने के लिए विवश कर दिया। अर्थ की बात, दुख की बात तो अलग सोचने की थी। यहाँ तक कि उसके पति जब बीमार थे तो उसे देखने के लिए भी वह अपने घर में समय नहीं दे पाती थी। इसका क्या कारण था? कारण यही था कि वह सोचती थी कि अगर मैं किसी के घर समय पर मिट्टी लेकर नहीं जाऊंगी तो उसके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे, उसके घर की औरत खाना नहीं बनाएगी। लेकिन वह औरत नहीं सोचती होगी कि आखिर यह बुढ़िया के घर में चूल्हा जलता है या नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से विद्यासागर नौटियाल ने आपको यह दर्शाने की कोशिश किया है कि सामाजिक विषमताएं जो हैं वह अभी भी हमारे समाज में मुंह बना के बैठी, अभी भी यह विडंबना समाप्त नहीं हुई है। हम जिसके लिए इस तरह से न्यौछावर होकर काम करते हैं, अगर वह व्यक्ति भी थोड़ा सा भी समर्पित होकर हमारे कार्य के प्रति ध्यान दें तो समाज में इतनी बड़ी विषमताएं नहीं होंगी। समाज की इतनी बड़ी विषमताओं को देखकर लोग ताना नहीं दे सकते। तो आज के सामाजिक परिवेश में भी
भी यह बहुत बड़ी कमियां हैं कि कहीं पैसे का दुरुपयोग इस तरह होता है कि लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और कहीं पैसे को देखने के लिए, अन्न को देखने के लिए, भूख को मिटाने के लिए लोग मरते हैं तो लोग भी उसका किस तरह नज़रअंदाज करते हैं। यह जो अनुच्छेद है भूख मीठी या भोजन मीठा, यह आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि आप इससे सीख लें कि हर परिस्थिति में आपकी जागरूकता जो है वह कारगर हो। आप छोटे से वस्तु से, छोटे से जगह से भी अगर आप उम्मीद लगाकर लगनशीलता के साथ काम करेंगे तो उससे आपको संतुष्टि मिल सकती है। धन्यवाद।